मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल ये दिखने वाला मोरपंखी का पौधे आप अपने घर में कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये आप लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, हमने डिस्पोजल ग्लास में लगाई है, जो कि बहुत ही जल्दी ये पौधे लग चुकी है। देखिए आप इसकी पूरी वीडियो। हे गाइस नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में मैं रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मोरपंखी की कटिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसकी कटिंग से अभी आप प्रोपगेट कर सकते हैं, इस पौधे को आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग हमारे लग जाते हैं। बट इसकी कटिंग लगाने के एक बेस्ट मौसम होती है, जो कि इस रेनी सीजन में, अभी जुलाई अगस्त में अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से इसकी रूट डेवलप हो जाती है। देन आप इसे पौधे को फिर से नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे रिसेंटली कई वीडियो हमारी चैनल पे मौजूद होगी इसकी मोरपंखी कटिंग के लगाने के ऊपर, तो आपने भी देखे होंगे। तो आज एक नई प्रोसेस, एक नई मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी बिना रूट हार्मोन के, यूज किए बिना भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। तो आज इसकी कटिंग में मैं इसकी एलोवेरा की जो जेल होती है, इस जेल से मैं इसकी रूट हार्मोन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इवन कि इसकी कटिंग में मैं इसकी कटिंग में एलोवेरा की जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो सॉइल मीडिया हमें लेनी है, सिर्फ बालू पे हम लगाने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो इसकी जो रेत होती है, ये जो सैंड है, इसे आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी से वाश करनी होगी, ताकि इस पर कोई फंगस या कोई डिजीज ना हो। तो इसके लिए पहले, सबसे पहले आपको रेत को आपको वाश कर लेनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए इसकी कटिंग किस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ईजी मेथड्स है आप भी। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, पिछले 3 महीने पहले इसकी कटिंग हमने लगाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी से इसकी ग्रोथ हो चुकी है, रूट भी बहुत ही अच्छी से डेवलप हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, हमने एक डिस्पोजेबल गिलास पे लगाई थी, जो कि आप ग्रोथ देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चल रही है। पौधे आप बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं, मतलब अब इसे किसी भी गमले में हम शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट करने के काबिल भी हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी गिलास फटने लगी है, तो मिट्टी भी बाहर आ रही है। बहुत जल्दी मैं इसे शिफ्ट कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी कटिंग किस तरह की लेनी चाहिए। कटिंग आपको इस तरह की लेनी है, जो कि थोड़ी हल्की हुडी टाइप की जो स्टैम्प होती है, कुछ इस तरह से, अभी आप जो देख रहे हैं इस तरह से स्टैम्प हमें लेनी है। थोड़ी मोटी कटिंग हमें लेनी है, जिससे कि उस पर जल्दी रूट डेवलप हो जाती है। और कुछ इस तरह से, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये स्टैम्प हमारे लिए बहुत अच्छी है। इस तरह की स्टैम्प अगर आप चुनाव करते हैं तो वो लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। पतले सूट जब हम लेते हैं तो वो जल्दी लग नहीं पाती है, तो इसे हम कट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह की, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये लकड़ी जो बन गई है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की स्टैम्प हमें लेनी है। सबसे ध्यान देने वाली बात यही है, इस तरह की स्टैम्प अगर आप लेंगे तो वो कटिंग चल जाती है। बहुत सारे लोग, ये आप देख सकते हैं, इस तरह के सूट ले लेते हैं बहुत ही पतले, तो वो जल्दी लग नहीं पाते, उसकी लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस तरह की स्टैम्प हम, चलिए पहले चुनाव कर लेते हैं, देन फिर आपके पास मैं वापस आता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी हमारी ये कटिंग हमने ले ली है। अब हमें ध्यान देनी है इसकी नोड एरिया, ये आप देख सकते हैं इसकी नोड एरिया, ये जो ये लिप्स अभी आप देख सकते हैं, इस तरह की जो लीव्स है, इतनी दूरी में जो ये कटिंग है, ये हमारी नोड एरिया, यहीं से रूट डेवलप होती है, तो इतनी दूरी हमें बचानी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये लीव्स देख रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट है ये, और किसी भी शार्प कटर से आपको कट करनी है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें आपको किस तरह से कट करनी, देख सकते हैं ये पत्तियाँ जो आप लीव्स देख रहे हैं, बस जस्ट इसी के सामने हमें सावधानी से कट करनी है। ध्यान से दोस्तों, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये शार्प हमें कट करनी है, लगभग 45 डिग्री के एंगल पे हमें कट करनी है। इस तरह से कट करनी है, और इसकी लंबाई हमें इतनी नहीं रहने देनी है। ऊपर की सिरा को, जो कुछ पत्तियाँ ये आप देख सकते हैं, आप इसे कट करके हटा सकते हैं, ऊपर से भी आप हटा सकते हैं, कुछ इस तरह से बिल्कुल हम शॉर्ट कर देंगे। बहुत सारी पत्तियाँ को हटा देनी है, आप सिर्फ देखें आपको इससे समझ में आएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी ही छोटी हो चुकी है, बस सभी को हमें इसी तरह करनी है। चलिए ध्यान रहे, आपको इतनी लंबी आपको नहीं देनी है, लगभग आपको 4 इंच या 5 इंच की कटिंग आपको लेनी है। ऊपर से इस तरह से पत्तियों को, आप इसकी लिप्स को रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से आपको छोटी कर देनी है। और आपको कटिंग में ध्यान रखनी है, इस तरह से तिरछी कटिंग, शार्प कटिंग होनी चाहिए। इस तरह से हमें तिरछी कटिंग करनी है। चलिए, और अब दोस्तों हमारी कटिंग बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं।
नीचे से इसकी शार्प कटिंग है, ऊपर से भी आप कटिंग देख सकते हैं, ऊपर के एरिया भी हमने कटिंग की है, जो कि आप देख सकते हैं परफेक्ट साइज़ ये कटिंग हमारी है। कुछ इस तरह से आपको भी कट कर लेनी है। साइड की पत्तियों को किस तरह से रिमूव की गई है और स्टैम्प की कटिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ कटिंग है ये, आप देख सकते हैं। इसमें हम जेल लगाने वाले हैं एलोवेरा के प्लांट पे, तो ध्यान रखने वाली बात है आपको इस तरह से कट करनी है। और अब हमारे ये गमले आप देख सकते हैं सीमेंट के गमले हैं, अगर आपके पास मिट्टी के गमले हैं तो वो भी परफेक्ट होगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया साइज है और ड्रेन होल जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और ये हमारी कोको कोयर जो कि पानी एक्स्ट्रा जो भी होगी वो ड्रेन हो जाएगी। तो इस गमले पे हमारी लगने वाली है मोर पंखी की कटिंग। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास रेत है रिवर सैंड मोटी वाली, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने वाश कर रखी है, बहुत ही अच्छी तरह ये वाश की गई है। अब इस पर हम इस गमले में फिल करने वाले हैं, डाल देते हैं। ये हमारी सैंड है, ये आप देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा होगी इसे हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं आपको बहुत ही क्लीन नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट से अच्छी तरह से धो वाश कर गई है, ये आप देख सकते हैं। और अब चलिए इसे हम अच्छी तरह से यहाँ सेट कर लेंगे, और ध्यान रहे इसकी कटिंग जब हम लगाते हैं तो इसके इस रेत में हमेशा मॉइस्चर होनी चाहिए, पानी हमेशा आपको सावर करनी है। ये नहीं कि आपकी ये बालू जो है ये रेत जो है सूख गई है, प्रॉपर आपको ध्यान रखनी है। अब हमें किसी स्टिक के सहारे इस तरह से होल करनी होगी, लगभग 2 इंच गहराई में हमें इस तरह से होल कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं लगभग 2 इंच की गहराई में इस तरह से हमें होल बना लेनी है। अब इस पर हमें लगा चलिए। और दोस्तों इसकी कटिंग में हम इस एलोवेरा की जेल का इस्तेमाल करने वाले हैं रूट हार्मोन की जगह पे। ये आप देख सकते हैं जो हमने कट की है इसकी जेल का इस्तेमाल हम करेंगे, और इसकी जेल को इस तरह से हम चीरा लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इसकी जेल जो है निकल आती है बाहर। आप ये देख सकते हैं ये जेल, और अब ये जो कटिंग हमने शार्प कटिंग की थी ये आप देख सकते हैं, इसे हमें इस तरह से इस पर डुबो लेनी है। ये आप देख सकते हैं ये एक तरह के एंटी फंगल है, और इसमें रूट बहुत ही जल्दी डेवलप करती है, ये एक प्राकृतिक रूप से एक रूट हार्मोन है। अब इस तरह से जो भी हमने होल बनाई है इस तरह से हम लगाते जाएंगे, जितनी भी हमारे पास कटिंग है इसकी जेल का इस्तेमाल हम करेंगे। इस तरह से कटिंग वाली एरिया में लगभग 1.5 से 2 इंच तक हम इसकी जेल लगा देंगे इस तरह से, और जो भी होल हमने बनाई है इस तरह से लगाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जेल निकल रही है। दबा देनी होगी, और इस तरह से अब हम इसे थोड़ी हल्की हल्की पुश कर देंगे ताकि एयर पॉकेट ना रहे हैं, और ऊपर से हमें वाटरिंग करनी होगी। चलिए अब हम इस पर वाटरिंग कर देंगे। चलिए अब हम वाटरिंग कर लेंगे, और जब भी वाटरिंग आपको करनी है इस तरह से पतली सावर हमें बनानी है, ये आप देख सकते हैं। और जब भी हमें करनी है थ्रो इसके नीचे करनी है, ये नहीं कि हम इसकी कटिंग के ऊपर कर रहे हैं, कटिंग हिलनी नहीं चाहिए, बस हमें यह ध्यान रखनी चाहिए इस तरह से। चलिए पहली बार हम इसमें वाटरिंग अभी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसमें वाटरिंग कर ली है, अब इसे हमें रखनी कहाँ, ये मेन पॉइंट है, और हमें बहुत ही ध्यान से रखनी है। इसे आपको ऐसे जगह पे रखनी है जहाँ पर हवा अच्छी तरह से आती हो और पूरी तरह से शेड हो, ब्राइट लाइट हो, ये नहीं कि आप अंधेरे में रख दें। एक ऐसी एरिया पे आप चुनाव करें जहाँ पर पूरी तरह से शेड हो, हवा आती हो, और सूर्य की जो ब्राइट लाइट होती है वो लाइट आनी चाहिए। सनलाइट में आपको नहीं रखनी है, शेडी एरिया पर, ब्राइट लाइट पर, और हवादार जगह पर। आप इस तरह से जगह पे अगर आप रखते हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर में इसके अंदर में रूट डेवलप हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी अपडेट बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा। इसका अपडेट मैं इसलिए इस वीडियो में नहीं दिखा पाया क्योंकि अभी बरसात स्टार्ट हो चुकी है। आप इसकी कटिंग अभी से आप लगा दें तो ये लगभग 1.5 महीने में इसकी रूट डेवलप हो जाएगी, तब मैं इसकी अपडेट आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। तो अभी आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस जुलाई और अगस्त में आप इसकी कटिंग लगा लें। ध्यान रहे दोस्तों जब आप इसमें वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो इसकी कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। आप साइड पर आप पानी देंगे, थ्रो करेंगे, और बिल्कुल बारीक सावर करनी है, और पत्तियों के ऊपर
ऊपर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट आपकी कटिंग जो होगी वो हिलनी नहीं चाहिए, हिलेगी तो आपकी कटिंग नहीं लगेगी। इसलिए पानी का जब आप शावर करते हैं उस समय आपको ध्यान रखनी है ये सारे बात। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।